उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, हमारे ऑप्शन है ए कांची, बी वल्लभी, सी नालंदा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके ऑप्शन होंगे सी यानी नालंदा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपालियन की उपाधि किसने दी थी? हमारे ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त मौर्य, सी हर्षवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके ऑप्शन है बी यानी समुद्रगुप्त मौर्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सका भावनिकी से आप क्या समझते हैं? हमारे ऑप्शन है ए सुश्रित, बी चायवान, सी धन्वंतारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन है सी यानी कि धन्वंतारी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला ज्ञान गुप्त शासन कौन था? हमारे ऑप्शन है चंद्रगुप्त, बी घटोत्कच, सी श्रीगुप्त, डी कुमारगुप्त प्रथम। तो आपका ऑप्शन है सी यानी श्रीगुप्त। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? हमारे ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त मौर्य, सी चंद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो आपके ऑप्शन है सी यानी चंद्रगुप्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? हमारे ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त मौर्य, सी चंद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। चल तो आपका ऑप्शन है सी यानी चंद्रगुप्त।